प्रश्न 4। किसी संख्या को 2 से गुणा कर प्राप्त परिणाम में 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर x। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? संख्या। तो संख्या को x मान लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है? किसी संख्या को 2 से गुणा करने पे, तो संख्या को x माने हैं, यानी x गुना 2 करेंगे। ठीक है, किसी संख्या को 2 से गुणा करने पे तो x गुना 2 लिख लेंगे, क्योंकि संख्या को x माने हैं। तो x गुना 2, प्राप्त परिणाम में 8 जोड़ने पर 8 जोड़ देंगे, योगफल 50 आता है, तो बराबर 50 लिख लेंगे। ये हो गया समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो x गुना 2 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 8 बराबर 50। x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो गया, 2x प्लस 8 बराबर 50। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 8, बराबर के बायां तरफ 8 प्लस में है तो 8 को दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर 50 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 42, और 2 यहाँ पे गुना में है x के साथ, तो 2 को बराबर के बायां तरफ से दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा 2। ठीक है, 50 में से 8 घटा देंगे 42, और 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 से 42 काट देंगे, 21 दूना 42, यानी कितना आ गया? 21। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 21। इसका उत्तर क्या होगा? 21 होगा। प्रश्न 5। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 66 है। संख्याएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे, माना कि 3 लगातार, 3 लगातार प्राकृत, 3 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं x कॉमा x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2। तो इस तरह 3 लगातार प्राकृत संख्याएं मान लेंगे। क्या कह रहा है? 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 66 है। संख्याएं ज्ञात करें। तो 3 लगातार प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा? पहला संख्या को x मान लेंगे, तो दूसरा संख्या क्या होगा? 1 जोड़ने पे निकलेगा। ठीक है, लगातार कह रहा है, यानी x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा प्राकृत संख्या हो जाएगा, फिर x में 2 जोड़ देंगे तो तीसरा प्राकृत संख्या हो जाएगा, क्योंकि लगातार कह रहा है। तो लगातार संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है? 1 जोड़ना होता है। जैसे 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे पहला संख्या को अगर x माने हैं तो दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 2। तो 3 लगातार प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा? x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हम मान लेंगे। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या कह रहा है? 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है? 66 है। तो सबको जोड़ देंगे, x और x प्लस 1 को और x प्लस 2, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना योगफल कह रहा है? 66। कितना कह रहा है? 66। तो तीनों लगातार प्राकृत संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 66, ये कह रहा है प्रश्न में। अब ये हो गया समीकरण। तो देखिए, x x और x,
तीनों को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 66। 3x प्लस 3 बराबर 66, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 66 माइनस 3 बराबर के बायां तरफ 3 प्लस में है तो 3 को दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या होगा, 66 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 63। तो x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा 63 भागा 3, 3 गुना में है बराबर के बायां तरफ तो इसको दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 21 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो पहला संख्या ज्ञात हो गया है, पहला संख्या को हम x माने थे तो लिखेंगे अतः संख्याएं हैं 21, 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 21 में दो जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। देखिए x बराबर कितना आ गया, 21, पहला संख्या को x माने थे तो दूसरा संख्या x प्लस 1 यानी 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 होगा, तीसरा संख्या क्या माने थे, x प्लस 2 तो x 21 है, 21 में दो जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो तीन लगातार प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा, 21, 22 और 23। तो x बराबर 21 आया तो 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 21 में दो जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी 21, 22 और 23 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 6, उन तीन लगातार समधन पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनका योगफल 90 है। तो लिखेंगे माना कि तीन लगातार समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक हैं एक्स कॉमा एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स प्लस 4।